नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनुशर्मा। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। दिल्ली में निर्भया केस में हुई दरिंदगी के मामले में पटियाला हाउस न्यायालय ने 22 जनवरी को चारों आरोपियों को फांसी देने का लिया निर्णय। आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने पर हमीरपुर की महिलाओं और लोगों ने भी की खुशी जाहिर। बिजली कानून 2003 के विरोध में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने हमीरपुर में जमकर किया प्रदर्शन। रैली में हमीरपुर बड़सर व नादौड़ इकाइयों के प्रधान सचिव रहे मौजूद। निर्भया केस में 22 जनवरी को आरोपियों को फांसी दिए जाने के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी दी अपनी प्रतिक्रियाएं। पूर्व विधायक अनिता वर्मा ने जहां फांसी के निर्णय पर खुशी जताई, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सरकार से की मांग। JNU में हुई हिंसक घटनाओं पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरना कर दिया शुरू। कांग्रेस पार्टी ने छात्र संघ अध्यक्ष पर हुए हमले की निंदा की, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके लिए BJP को ठहराया जिम्मेदार।